हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे मल्टीमीडिया का नेक्स्ट टॉपिक वीडियो इन मल्टीमीडिया। वीडियो क्या होती है मल्टीमीडिया में, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप जो है वीडियोज़ की PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप रजिस्टर कीजिए और जितनी भी वीडियोज़ आई हैं 130+ वीडियोज़ हो चुकी हैं, उन सभी की PDF जो आपको दी जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं वीडियो क्या होता है। तो वीडियो क्या होता है, देखिए, जब हम बहुत सारी इमेजेस को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रेम रेट पर सेट करते हैं तो और साथ में ऑडियो को भी मिक्स कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वीडियो कहा जाता है। ठीक है, जो इमेजेस होती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, एक नंबर ऑफ फ्रेम रेट पर सेट करते हैं, साथ में ऑडियो को भी मिक्स कर रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाती हैं, वीडियो बन जाती हैं। ठीक है, जब हम बहुत सारी इमेज को कंबाइन करके उसे मूव कराते हैं वो क्या कहलाता है, वीडियो कहलाता है। किसी भी बात को हम जो है बहुत अच्छे से अगर हमें समझाना है तो किसके थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, वीडियो के थ्रू जो है हम अच्छे से समझा भी सकते हैं और जो चीज़ें हम वीडियो के थ्रू देखते हैं वो चीज़ें हम बहुत दिनों तक याद भी रखते हैं। ओके, तो ये वीडियो होता है। वीडियो में जो है फिर अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, लाइक MPEG, AVI, फ्लैश हो गया, क्विक टाइम हो गया, WMV हो गया, तो वो आगे हम देखेंगे। तो पढ़ते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजिटल वीडियो की। मूविंग इमेजेस दैट हैव बीन कैप्चर्ड और क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय ए कंप्यूटर। मूविंग इमेजेस वही जो हमें जो है चलती हुई दिखाई दे, मोशन के रूप में दिखती हैं, जो स्टिल इमेजेस होती हैं उनको जब हम मोशन के रूप में देखते हैं तो वो हमारी वीडियो होती है। ठीक है, हिस्ट्री दी गई है डिजिटल वीडियो की, तो सब इंपॉर्टेंट माइलस्टोन देखते हैं। देखिए कब कब आई, 1986 में प्रोफेशनल डिजिटल वीडियो जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी। 1990 में क्विक टाइम फॉर्मेट इंट्रोड्यूस्ड एज ए कंज्यूमर डिजिटल फॉर्मेट बाय एप्पल कंप्यूटर्स। 1995 प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर डिजिटल वीडियो टेप यानी कि DV फॉर्मेट जो था रिलीज हुआ था। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1996 DVD प्लेयर जो थे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, DVD प्लेयर सबको पता है, तो ये 1996 में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। ओके, 1996 में ही WRAL TV बिकम्स द फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन टू ब्रॉडकास्ट इन HDTV यानी कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन। 2009 ओल्ड टेलीविजन स्टेशन नेशन वाइड इन द US बिगिन ब्रॉडकास्टिंग एक्सक्लूसिवली इन ए डिजिटल फॉर्मेट। ओके, तो ये हिस्ट्री है। पूछा जा सकता है कि DVD कब आया या प्रोफेशनल डिजिटल वीडियो कब हुई थी इंट्रोड्यूस सबसे पहले, तो 1986 में हुई थी, तो ये बस आपको याद रखनी है। ओके, चलिए, यूज़ ऑफ डिजिटल वीडियो। डिजिटल वीडियो का कहाँ यूज़ होता है, डिजिटल मीडिया कहाँ पर यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ की जाती है, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट हो, एडवर्टाइजिंग हो, हर जगह जो है डिजिटल मीडिया जो है यूज़ की जाती है। ओके, करेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए इसमें एनालॉग, ए नॉन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए कंटिन्यूस फ्लो रेदर देन एज इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा। ओके, तो एनालॉग क्या होता है, नॉन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम डिजिटली रिप्रेजेंट नहीं करते वो एनालॉग में आता है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, एज ए इन्फॉर्मेशन इन कंटिन्यूस फ्लो, इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा में न रख के कंटिन्यूशनल फ्लो होता है वीडियो का, तो वो क्या कहलाता है, एनालॉग वीडियो होती है। डिजिटल वीडियो होती है जो डिजिटली हम जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज इंडिविजुअल पीसेज ऑफ डाटा। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो पूछा जाता है, जो डायमेंशन ऑफ विड्थ टू हाइट, डायमेंशन ऑफ विड्थ टू हाइट यानी कि विड्थ और हाइट का जो भी रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशो उसको बोला जाता है। फ्रेम रेट आता है, स्पीड एट विच वीडियो फ्रेम अपीयर्स। ओके, किस स्पीड से जो है वीडियो फ्रेम अपीयर हो रहे हैं उसको फ्रेम रेट बोला जाता है, और फ्रेम रेट को मेजर किस में किया जाता है ये पूछा जाता है, तो मेजर्ड इन फ्रेम पर सेकेंड। ओके, फ्रेम रेट को किस में मेजर कर रहे हैं, फ्रेम पर सेकेंड में, तो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें ऐड की हैं। ओके, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती हैं वो देख रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रीमिंग होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑडियो वीडियो फाइल्स ओवर द इंटरनेट दैट बिगिन प्लेइंग एज द रिमेनिंग डाटा इज टेम्परेली ट्रांसफरिंग टू योर कंप्यूटर। यूजर फ्रेंडली बिकॉज वीडियो कैन व्यूड एज द फाइल इज लोडिंग विदाउट हैविंग टू वेट फॉर द कंप्लीटेड फाइल टू लोड। स्ट्रीमिंग आप सबको पता है क्या होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वीडियो सिग्नल्स, तो तीन तरीके के जो है वीडियो सिग्नल्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बस इतना याद रखिए, कॉम्पोनेंट होता है, एक कॉम्पोनेंट वीडियो सिग्नल होता है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल होता है, एस वीडियो सिग्नल होता है। ये तीन जो होते हैं वीडियो सिग्नल होते हैं, इन्हें आप याद रखिए। कंपोनेंट
कंपोनेंट वीडियो की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, ठीक है, जो इसके कंपोनेंट वीडियो सिग्नल्स होते हैं, तो आपने जो देखिए, अगर आपने जो टीवी होते हैं या मॉनिटर होते हैं, ठीक है, टीवी या मॉनिटर को किसी और डिवाइस से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो आपने अगर टीवी के पीछे देखा होगा तो तीन आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे जिसमें लीड वगैरह हम डालते हैं। रेड कलर होता है, ब्लू होता है और ग्रीन कलर का होता है टीवी के पीछे कुछ, ओके, या मॉनिटर्स में जब हम कनेक्ट करते हैं, ओके, तो उसके लिए जो अलग अलग चैनल्स होते हैं उसका कलर आपको पता होगा, वो क्या होते हैं, वो कॉम्पोनेंट वीडियोज़ होती हैं जिसमें हम इनका यूज़ करते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिट वीडियो, तो आपने देखा होगा जो लीड्स होती हैं, येलो होगी, वाइट होगी, रेड होगी, ब्लैक होगी, ओके, तो ये होती हैं कंपोजिट वीडियोस बनाने के लिए जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, तीन सिग्नल होते हैं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट देखेंगे, देखिए वीडियो फाइल फॉर्मेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से बनते हैं इसमें। सबसे पहले है मूव, WMV, AVI, इसके अलावा MPEG-2, MPEG-4, FLV, ये जो है मेन कंपोनेंट फाइल फॉर्मेट है वीडियो के। सबसे पहले मूव है, यानी कि मूवी डेवलप्ड किया था जिसने बाय एप्पल कंप्यूटर फॉर द क्विक टाइम वीडियो प्लेयर। बेस्ट यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग के लिए सबसे बेस्ट वीडियो फाइल फॉर्मेट है ये, ऑल्सो नोन एज क्विक टाइम और मूवी फॉर्मेट, इसे क्विक टाइम और मूवी फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है WMV, WMV है जिसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो विंडोज मीडिया वीडियो, डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो। AVI है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडो मीडिया प्लेयर, नॉट गुड फॉर स्ट्रीमिंग, ये स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा नहीं होता है, ओके। WMV और MOV जो होती हैं स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट होते हैं, AVI जो था सिर्फ विंडो मीडिया प्लेयर के लिए है, ठीक है। MPEG-2 है मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर DVD, ये DVD के लिए, DVD जो होती हैं उनमें जो वीडियो होती है उसका फाइल फॉर्मेट जो होता है वो MPEG-2 होता है, ठीक है। एक MPEG-4 है मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट, ब्लूरे डिस्क, जो ब्लूरे डिस्क होती है उसके लिए फाइल, उसका फाइल फॉर्मेट है ये, यूजेज ए ग्रेटर कंप्रेशन एंड अचीव ए हायर क्वालिटी वीडियो ऑन द इंटरनेट। एक FLV है फ्लैश वीडियो फाइल फॉर्मेट, यूज टू डिलीवर वीडियो ओवर द इंटरनेट यूजिंग अडोब फ्लैश प्लेयर। इस फाइल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं टू डिलीवर वीडियो, जब हम इंटरनेट पर वीडियो डालते हैं किसका यूज़ करके, अडोब फ्लैश प्लेयर का। MOV है यानी कि मूवी, एक मिनट, ये वही है आई थिंक, या ठीक है। तो ये जो थे इसके फॉर्मेट है। तो यहाँ से जो सिंपल क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना ही बन सकता है कि स्ट्रीमिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट सही है, या फिर ब्लू रे डिस्क के लिए कौन सा फॉर्मेट है, विंडो मीडिया प्लेयर के लिए कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है इनमें से पूछा जा सकता है, ओके। तो ये मेन फॉर्मेट थे, कि इनके फुल फॉर्म याद रखिए कि फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा डिजिटल वीडियो के लिए देखिए किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो बताया गया, कंप्यूटर है, वीडियो कैमरा है, माइक्रोफोन्स है, ट्राइपॉड है, लाइटनिंग है, रिकॉर्डेबल मीडिया, वीडियो स्विचर, केबल और कनेक्टर्स, ये क्या है डिजिटल वीडियो, यानी कि कोई भी वीडियो बनाने के लिए हमें जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कैमरा मूवमेंट, की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए कैमरा की, लाइक पैन दिया है, कैमरा पैन में क्या होता है, कैमरा रिमेन्स स्टेशनरी एंड द मूवमेंट इज़ फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि जब हम पैन मूवमेंट रखते हैं तो जो हमारी कैमरे की मूवमेंट होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि अप और डाउन नहीं कर पाते उसमें, हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी कह लीजिए जो डायरेक्शन होती है वो पैन राइट या पैन लेफ्ट होती है, एक टिल्ट होता है जिसमें अप डाउन जाते हैं ना कि लेफ्ट राइट। तो कैमरा रिमेन्स स्टेशनरी एंड द मूवमेंट इज अप एंड डाउन, तो डायरेक्शन क्या होगी, टिल्ड अप एंड टिल्ड डाउन। एक ट्रक होता है, कैमरा फिजिकली मूव साइड टू साइड, जिसमें कैमरा मूव कर पाए फिजिकली साइड टू साइड, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, ओके, वो ट्रक होता है। डोली ही देखिए, कैमरा फिजिकली मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डोली इन और डोली आउट। एक जूम होता है, यूजेस द मैकेनिक्स ऑफ द कैमरा लेंस टू मेक द सब्जेक्ट अपीयर क्लोजर, जूम किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, जब उसको बिल्कुल क्लोज में लेके जाते हैं वो जूम होता है, जूम इन और जूम आउट, इसमें जो डायरेक्शन यूज़ की जाती है जूम इन जूम आउट जो है कैमरे के लिए यूज़ की जाती हैं, ओके। कैमरा कंपोजिशन देखते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड, मेंटली डिवाइडिंग द फ्रेम इनटू थर्ड्स बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली,
सब्जेक्ट जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ फ्रेम, फ्रेम का 2/3 जो है वो ऑक्यूपाई करता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्लोजअप का मतलब है शॉर्ट यूज्ड टू सिंगल आउट द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का मोर इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं क्लोजअप वर्ड का यूज़ इसमें करते हैं। कैमरा फ्रेमिंग ऑफ ए पर्सन फेस, जैसे हम किसी का सिर्फ फेस करना चाहते हैं तो सिर्फ हम फेस पे वो करते हैं, ठीक है, तो वो क्लोजअप होता है। एक मीडियम शॉट होता है जिसे मिड शॉट बोलते हैं, दिस शॉट शोज सम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन मोर डिटेल वाइल स्टिल गिविंग एन इंप्रेशन ऑफ द होल सब्जेक्ट। मीडियम शॉट का मतलब क्या है कि पूरे होल सब्जेक्ट पे हम फोकस ना करने के बजाय जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन पर जो है हम फोकस रखते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कैमरा फ्रेमिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वेस्ट अप टू टॉप ऑफ हेड, ठीक है, टॉप ऑफ हेड से लेकर वेस्ट तक का दिखाना वो क्या हो जाएगा मीडियम शॉट हो जाएगा, सिर्फ मेन जो पार्ट उसको कंप्लीट नहीं ले रहे हैं उस सब्जेक्ट को। एक लॉन्ग शॉट है, द शॉट शोज सब्जेक्ट एंड लोकेशन ऑन इट्स एंटायरिटी, यानी कि कैमरा फ्रेमिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हेड टू टो, जब हम उसे कंप्लीट लेते हैं तो उसे वाइड शॉट या लॉन्ग शॉट बोला जाता है। हाई एंगल शॉट क्या होता है, शॉट कंपोज बाय शूटिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम अबव नॉर्मल आई लेवल, आई लेवल से ऊपर का जो होता है जो हम देख पा रहे हैं नॉर्मल व्यू उससे ऊपर का जो लेवल लेते हैं वो हाई एंगल शॉट होता है। ओके, हाई एंगल शॉट मेक द सब्जेक्ट लुक स्मॉल वीक अफ्रेड और डिपेंडेंट। लो एंगल शूट क्या है, शूटिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम बिलो नॉर्मल आई लेवल। लो एंगल शॉट मेक द सब्जेक्ट अपीयर टॉल पावरफुल कमांडिंग स्ट्रॉन्ग और स्केरी। ओके, तो बस यही था, इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ आपको सिर्फ इसके जो मेन है ना वीडियो में वो है वीडियो फॉर्मेट, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट और जो तीन से दो तीन हम जो टर्म्स पढ़ी है जैसे एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, फ्रेम रेट को किस में मेजर करते हैं, ये चीज़ें वीडियो फॉर्मेट से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक वीडियो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट में हम जो है या तो ग्राफिक्स पढ़ेंगे या फिर एनिमेशन होगा, दो ही टॉपिक बचते हैं तो ये दो कवर करेंगे, उसके बाद MCQ यहाँ से देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।